प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पुलिस ने दौड़ाया। अखिलेश यादव ने वीडियो जारी कर सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश का ट्वीट, अब हर हाथ में तिरंगा लहराएगा, भाजपा का जुल्म सहा न जाएगा। प्रयागराज में यूपी पीसीएस परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग के सामने अभ्यर्थियों के प्रदर्शन जारी है और इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प भी हुई। वहीं पुलिस के बैरिकेड्स को फांदते हुए छात्र आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। वहीं पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज करने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर छात्रों का एक वीडियो पोस्ट कर लिखा कि युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है। यूपीपीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जो जब मांग बुलंद की है तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक होती। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में नहीं है, हम युवाओं के साथ हैं। यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री 2024 और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइजेशन के फैसले के विरोध में प्रतियोगी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सोमवार को प्रयागराज के लोक सेवा आयोग चौराहे पर एकत्रित भी हो गए और जोरदार नारेबाजी की। वही गुस्साए छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। छात्र नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में आयोजित की जाए। छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग उन्हें एक और दिन एक शिफ्ट में परीक्षा कराने का आश्वासन नहीं देता, तब तक प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। बता दें कि पीसीएस प्री 2024 परीक्षा का आयोजन 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित किया गया, जबकि एआरओ आरओ परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होनी थी।